मेरे साथ एके मिश्रा इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि राजनीतिक विशेषक हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। देखा मिश्रा जी, यही बात तो पूरा नहीं, लेकिन एक बात, गुरेश भाई मिश्रा जी, संजीव निकले मुंह पे आज खालिस्तान के नारे लगे हैं, गटर में से कालिक निकाले, घर के बाहर जाके अपने मुंह पे लगाए। ये देश के लिए गौरव का क्षण नहीं है गुरेश भाई, ये गौरव का क्षण नहीं है। एके मिश्रा मेरे मित्र होकर मुझे समझा सकते हैं कि मत बोला कर ऐसे मेरे भाई, मत बोला कर इतना बेबाक होके, लेकिन सच बोलता हूं मैं, माचिस की तीली जेब में लेकर नहीं घूमता भाई साहब। मेरी पार्टी तो कायल है आपकी बेबाकी की। गुरेश भाई एक मिनट, अब एके मिश्रा जी, ये हालात ये परिस्थितियां क्यों बनी? सवाल ये है कि अरब देश नाराज खड़ा है, नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई कैसे होगी? सवाल तो ये भी है। देखिए चाला जी, जो आपने शुरू में बोला तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपके भी डिबेट में और सब जगह इस चीज का पक्षधर रहता हूँ कि जब आप डिबेट वगैरह में अगर बैठे तो जवान जो है हमेशा संभाल के सभ्य शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता मिलते रहते हैं जो सीमाओं का उल्लंघन करते रहते हैं। रही बात नुपुर शर्मा की जो बात हो रही है ना, ये उतना गंभीर मुद्दा नहीं है जितना गंभीर मुद्दा अपने ही देश के, जैसे आपने पत्रकारों के बारे में बोला ना, तो भांति भांति के पत्रकार हैं। नहीं, दो तीन चीजें बोलता हूँ। पत्रकारों के बारे में बोला, मैं जानता हूँ, मैं भी तथाकथित के बारे में बोल रहा हूँ, मैं आपके ऊपर या किसी का नाम लेकर आरोप नहीं लगा रहा। एके मिश्रा जी माफ करिएगा, आप लोगों की नजर में पत्रकार होंगे वो, जिन्होंने कभी जाकर जिन्होंने कभी बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया, डिबेट नहीं की बेरोजगारी पर, बेरोजगार युवाओं का सवाल नहीं उठाया, महंगाई पर चर्चा नहीं की, आप उन्हें पत्रकार बोलते हैं? आप मेरी बात सुन, नहीं मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसने क्या किया क्या नहीं किया वो डिफरेंट चीज है, उसकी एनालिसिस मैं नहीं करूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है, पहली चीज आप देखिए, नुपुर शर्मा ने अगर कोई ऐसी चीज बोली हो जिसका उदाहरण दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोई धर्मगुरु, चाहे वो मुल्ला हो या कोई और ज्ञानी इंटेलेक्चुअल हो, अगर ना देता हो तब डेफिनेटली वो गलत है। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला, ना तो मैंने कुरान हदीस वगैरह पढ़ी हुई है। ये एक डिबेट का या जांच का विषय हो सकता है कि जो उन्होंने बोला क्या वो चीजें दूसरे लोग नहीं बोलते, दूसरी वीडियो अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज, अगर नुपुर ने बोला तो ये एक डोमेस्टिक मैटर है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पुटअप होना चाहिए कि अपने देश में ऐसे कौन से नेता हैं, ऐसे कौन से पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं, जो इसको तुरंत यहाँ पे हुआ नहीं कि कहां से कहां तक वो उन्होंने पहुंचा दिया, उनके ऊपर भी कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और मोरल जिम्मेदारी होनी होती है। आरोप कितना भी गंभीर हो नुपुर के ऊपर या किसी के भी ऊपर, उसका जो जस्टिफिकेशन होगा, जो न्याय होगा, एज पर इंडियन कोर्ट होगा, न कि अमेरिका के कहने पे और ओआईसी के कहने पे होगा। वो दैट इज नॉट ओआईसी, उसकी कुव्वत को मैं जानता हूं। अब फ्रांस ने किया था और इन्होंने इनको जो उखाड़ना था वो उखाड़ लिया ओआईसी ने। अगर और देखना है ओआईसी की ताकत को तो जाके चाइना के उइगर में बात करिए, जहां पे कि वो भले ही ठीक है वो मुसलमान है लेकिन है तो वो भी इंसान ना, वहां जवान नहीं खुलती है। और अगर ओआईसी को करना भी था तो मैं आपको बताता हूं, हमारे हिंदू देवताओं की मूर्तियों के जो नग्न चित्र बनाए थे मकबूल फिदा हुसैन, जब वो यहां से भाग के गया था तो उसको नागरिकता और शरण देने वाला भी कुवैत या कतर था, दो में से एक देश था, तो क्या वो उस पे माफी मांगेंगे? आज तालिबान ने भी जो है ट्वीट किया है, लेकिन सब लहजों में उन्होंने किया है। तालिबान से जरा पूछिए, सौ चूहे खा के बिल्ली खाने चली तुम, हज करने चली हो तुम, बामियान में बुद्ध की मूर्ति को किसने गिराया था? तालिबान को शर्म है अपने पिटों पे? आप ओआईसी से भी तो सवाल पूछना चाहिए, उन लोगों से भी तो सवाल पूछना चाहिए। मैं 500 घटनाएं आपको बताऊंगा। नहीं, आप घटनाएं बताइए। या तो ओआईसी देखिए, या तो ओआईसी एक रिक्वेस्ट कर दे कि भाई हमें इस पे आपत्ति है, आप एज पर अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम करिए, फोर्स ना करें, इसको इंटरनेशनल इशू ना बनाए, इंटरनेशनल कोर्ट में लेके चले गए हैं और इंटरनेशनल कोर्ट में लेके चले गए हैं तो ओआईसी को मैं बता देना चाहता हूँ, इसराइल उनके सीने पे बैठा हुआ है, रही बात फायदा और नुकसान की तो वो भी किसी इकोनॉमिक डिबेट में कर लेंगे। एके मिश्रा जी, आप किसी के पैरोकार बन के बैठी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन नहीं, मैं किसी का पैरोकार नहीं हूँ, मैं इस देश का पैरोकार हूँ। मैं किसी की पैरवी मैं जो जो लोग हिंदुस्तान अपने देश के लिए बोल रहे हैं कि माफी मांगे, जो भाजपा क्या करे मुझे मतलब नहीं, कांग्रेस क्या करे मुझे। अभी हमारे कांग्रेसी मित्र बोल रहे थे कि भाई मोदी माफी मांगे, मोदी जी माफी मांगे। ठीक है, आप प्रेशर बनाइए। मैं बोलता हूँ जब सरदारों का जो है सरदारों के साथ अन्याय हुआ था तो माफी प्रधानमंत्री ने मांगी थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने मांगी थी, किसने मांगी थी माफी? और बात अगर देश की है, बात ये केवल अपने देश तक होती। हाँ भाई, कुछ लोग बोलते हैं पूर्व करो, कोर्ट में मैटर जाता तो बात दूसरी है। बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है तो मैं कुछ देशों को मुखौटा दिखाना चाहता हूँ, शर्म है अपने किए पे। पवन दीक्षित के तरफ पर सवाल उठा ना, जवाब ले लीजिए। पवन दीक्षित जवाब दीजिए, फिर मैं निगम जी आपके पास आ रहा हूँ। इनसे बोलिए मनमोहन सिंह ने माफी मांगी थी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माफी मांगी थी, जो आज ये ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। लगाइए अपने मुंह पे, आज जो पंजाब में हुआ है खालिस्तान वाला किस्सा। नहीं नहीं, कांग्रेस के देखिए, मुझे बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे पूछिए। मैं इनके सवाल में पूछ रहा हूँ, इन्होंने बोला कि मोदी जी माफी मांगे, तो इनके इन्होंने बोला पार्टी के जो हेड है मोदी जी वो माफी मांगे, तो इनके टाइम। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, पवन दीक्षित जल्दी से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद निगम जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक भाई, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी मिश्रा जी जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी मिश्रा जी बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं ये बता दूं कि पहली बात तो आप अगर आप मैं ये बनना वाला साथी हूं, मैं भारत का साथी हूं, मैं कांग्रेस भाजपा का साथी नहीं हूं। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वोट किसी को नहीं देता हूं। समझ गए ना, समझ गए ना। आप सवाल का जवाब दे दीजिए, कांग्रेस अध्यक्ष ने माफी क्यों नहीं मांगी थी, प्रधानमंत्री ने क्यों मांगी माफी सिखों के कत्लेआम पे? बोलो, अभी आप कुछ मोहल्ले पड़ोस की मिले हो, बोलो पहले। नहीं नहीं, आप जवाब दीजिए, अब आप दीजिए, आप जवाब दीजिए। नहीं नहीं, बोलो अभी, और बोलने आदत है ना एक्चुअली। नहीं नहीं, किसी को बीमारी होती है बीच में बोलने की? नहीं नहीं, बीमारी नहीं होती है, बीच में बोलो। नहीं नहीं, बीमारी नहीं होती है, जो प्रवक्ता कुछ भी बोल देते हैं बिना अपने गिरेबान में झांके हुए, कोई भी देश उठ के खड़ा होके कुछ बोल देगा टीवी पे बैठ गए जी, अब तो हमारे मन में जो आया तो लॉजिक दीजिए। मिश्रा जी एक मिनट, लॉजिकली बात करेंगे ना, लॉजिकली बात करेंगे। आपने सवाल उठाया, आप सवाल का जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, ले लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि इंटरनेशनल किसी हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने तिलक जी नहीं बनाया ये मुद्दा, ये बाहर से बातें आई हैं। और दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट वहां पर थे कतर में, और उनका लंच या डिनर पोस्टपोन किया गया। मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि क्यों हमारे उपराष्ट्रपति वहां पर रुके हुए थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा रद्द क्यों नहीं किया, तुरंत उन्होंने उस चीज का प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने आप को फ्रांस और चाइना के बराबर करते, आप सारे संबंध तोड़ दीजिए ना खाड़ी से। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा भाई यार आ रहा हूं भाई साहब, अरे मेरे भाई डॉक्टर साहब ने बोल रखा है, पता नहीं नोएडा के डॉक्टर है भाई। तिलक भाई बोल दूं? जी दीक्षित जी प्लीज। तिलक भाई, मैं एक कदम आगे बढ़ के बोलता हूं, इमरजेंसी की गुरेज भाई ने भी बात की थी, एक छोटा सा नाम लिया था मैं, उसकी भी बात कर रहा हूं। इमरजेंसी रही हो या एक बहुत दुर्भाग्यजनक घटना सिखों के साथ रही हो, 84 राइट्स रही हो, आज तक की डेट जून 2022 तक हमारे कांग्रेस के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उन्होंने उस सबको दुर्भाग्यजनक माफी मांगी है, राहुल जी तक बता रहा हूं मैं, चाहे राजीव गांधी से लेकर के चाहे अब तक के नेता हूं, पहली बात। दूसरी बात, किसने माफी मांगी थी? राहुल जी तक की बता रहा हूं मैं, मिश्रा जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। ऑफिशियल माफी किसने मांगी थी? मिश्रा जी ऑफिशियल माफी किसने मांगी थी टीवी पे आके? अरे सर, ऑफिशियल माफी बात कर रहा हूं मैं, ऑफिशियल माफी क्या होती है? एक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माफी मांग रहा है, उसको क्या बोले, क्या ऑफिसर बताइए, क्या एग्रीमेंट को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो कि प्रधानमंत्री थे? क्या भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी? भाई साहब, भाई साहब, जितनी सफाई से आपने क्वेश्चन पूछा उतनी सफाई से आप जवाब नहीं दे रहे। एक मिनट मिश्रा जी, बात को घुमाइए मत, क्या मुझे गुरेज भाई की बात अच्छी नहीं लग रही थी? मैं भी बीच में बोल सकता था, मुझे भी लग रहा था कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं नहीं बोला। मिश्रा जी से भी मेरा अनुरोध है, मेरे उम्र में बड़े भाई हैं हमारे, थोड़ा सा तसल्ली रखें, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं ये बात बोल रहा हूं, मैंने बोला माननीय मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते माफी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं। मैंने ये बात बोली है, सबने बात सुनी है, 135 करोड़ लोग का प्रतिनिधित्व करते हैं वो, 135 करोड़ लोग
क्यों माफी मांगे? माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व से। क्या मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में नहीं आते? मैंने ये बात बोली है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सब मैं मिश्रा जी या गुरेश भाई या किसी की बात नहीं कर रहा हूं, अपना हमें चीज क्लियर करनी पड़ेगी सर। अरे सही तरीके से बात को घुमा गए, गोल कर गए, तर्क नहीं है तो बात को गोल कर गए। मिश्रा जी आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। क्या घुमा गया भाई साहब, मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि मैं किसका नाम लेकर बताऊं ऑफिशियली माफी मांगी? आप नाम बता दो मैं वो बोल दूंगा, बताइए। निगम जी मेरा एक सवाल है, फिर गुरेश भाई आपके पास आ रहा हूं। निगम जी हालात तो पंजाब के भी नहीं संभाल रहे है ना, आप कश्मीरी पंडितों को जाकर कह रहे हैं कि भैया हम तुम्हारे दुख दर्द में साथ है, अपना पंजाब आपसे संभल नहीं रहा। देखिए आप जो कह रहे हैं, शुरुआत में जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ ली थी भगवंत मान जी ने, उन्होंने कहा था हमें केंद्र के साथ सहयोग करके हम सुधारेंगे, जहां हमें सहयोग की जरूरत है हम सहयोग लेंगे बराबर। ये कब तक विट्ठल आप खेलोगे? नहीं नहीं देखिए सवाल ये है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हमने कभी यही नहीं कहा कि हम सर्वे सर्वा वहां पर है, सब कुछ कर रहे हैं, जहां सहयोग लेने की जरूरत है वहां आपसे सहयोग लेकर के हम काम करेंगे और काम कर भी रहे हैं। अरे तमाम ऐसी चीजों में हमने इतने कम समय में पंजाब के मुख्यमंत्री ने इतने बड़े बड़े स्टेप ले लिए हैं। नूपुर शर्मा की चिंता है उस मुद्दे पर, आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, लेकिन मूसा वाले के हत्यारे कौन है क्या है ये आपको अब तक नहीं मालूम चला? कल तक ये कहते थे कि सवाल ये है पास नहीं है, हम क्या करें? उसमें स्थिति ये है कि उसमें बराबर पुलिस जो है अपने स्तर से भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और आप डेली समाचार आप खुद देखते होंगे, आप डेली समाचार है भी और सुनता भी कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कल तक कैसे अपडेट हो रहा है। दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, होती तो हम क्या करके दिखा देते, अब यही करते तो पंजाब में हो रहा है। देखिए फिर दोनों बातों को एक साथ मत जोड़िए। अच्छा, दिल्ली और पंजाब मतलब, को दिल्ली अपनी जगह है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं वो संभाल रहे हैं, पंजाब में भगवंत मान जी हैं वो देख रहे हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है आप मुद्दे से डिरेल मत करें। आपने खुद कहा, आपने स्वयं कहा कि नूपुर शर्मा को आज पार्टी ने 10 दिन बाद निकाला, क्या ये पार्टी अगर वाकई चाहती, पार्टी ने निकाला, पार्टी में इनके लोग भरे हुए हैं, ऊपर की तरफ से इशारा रहता है, ये ऊपर के लोगों के इशारे पर बोलते हैं, इनके जितने प्रवक्ता है ना एसपी से आए भाटिया जी गौरव भाटिया वो भी यही जुबान बोलते रहते हैं। आप ही खुद तो पहले आप एक बात का जवाब दीजिए गुरेश जी कि जो आज 10 दिन बाद एक्शन हुआ 24 घंटे बाद क्यों नहीं हो सकता था? इसके मतलब पार्टी भी आपकी इन्वॉल्व है, पार्टी देख रही है, पार्टी कह रही है, जब मामला विदेशों में चला गया, दूसरे बाहरी देशों में चला गया, और वो राजदीप को बुला करके जो है फटकार लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं माफी मांगने के लिए, तब आपकी आंखें खुली? इसका मतलब आपकी नियत सही नहीं है, आप अलग अलग तरीके से काम करते हैं। भारत सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का क्या काम करने का तरीका है, अब तो सभी लोगों ने देख लिया है और देख भी रहे, आगे आने वाले समय में आप अगर दो तरीके से काम करेंगे तो वो नहीं चलने वाला है। आपने कल देखा भी होगा दिल्ली में जंतर मंतर में अरविंद केजरीवाल जी ने एक रैली का आयोजन किया था, आक्रोश रैली, तो जनता में आक्रोश बढ़ रहा है, अब आपका तो वो आक्रोश कब तक आप लेकर के लोग बैठे रहेंगे? आपने जो बात बोली ए के मिश्रा जी करना चाह रहे, फिर गुरेश भाई आपके पास आ रहा हूँ, मुझे निकलना है भाई साहब। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक चीज बोल रहे थे कि भाई कि तुरंत इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये देश का दुर्भाग्य है, यहाँ हर चीज बड़ी लेट लतीफ होती है। पंजाब का जो कांड हुआ 1984 में हुआ, माफी मांगी गई 20 साल के बाद, सत्येंद्र सिंह जी आम आदमी पार्टी के ईडी के सिकंजे में आए, अभी भी माफी नहीं मांगी गई है, पद से हटाया नहीं गया है, मुंह से कुछ बोला भी नहीं गया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को मुख्यमंत्री ने तत्काल निकाल लिया, दिल्ली जब हमारे जानकारी सत्येंद्र सिंह जी ईडी की कस्टडी में है, लेकिन अभी मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकला। कर रहे हैं अगर इतना सुधार हो जाए तब तो देश कहां से कहां पहुंच जाए। मैंने दो उदाहरण दिए कि तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सत्येंद्र सिंह के ऊपर पार्टी ने क्यों नहीं किया, सत्येंद्र सिंह के ऊपर जो सिंगला जी के दिल्ली में क्या हुआ, सत्येंद्र सिंह के ऊपर क्या, सत्येंद्र सिंह के ऊपर पार्टी ने क्या कार्रवाई की, कोई सबूत नहीं, कोई नहीं है, बेवजह कस्टडी में है, बिग बॉस का घर बना रखा है,
बिग बॉस का घर बनाया था आपने। अरे साहब कोई एफ आई आर नहीं है, दो उदाहरण दिए जवाब नहीं है उनके खिलाफ, कोई एफ आई आर कोई शिकायत है? ये मान लीजिए कि इस देश का विकास ही थोड़ा लेट लतीफ है, उस पे हल्ला मचाने की जरूरत नहीं। आप आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। मैं तो बोलता हूँ कि अब इसमें हम क्या और आप क्या करें। ये मान लीजिए कि इस देश का मिजाज ही लेट लतीफ है, थोड़ा कार्रवाइयां देर से होती है, नहीं तो सतीश जी के ऊपर भी आम आदमी पार्टी ने कर दिया होता। 84 में सिख दंगे हुए, नरसंहार हुआ, 20 साल के बाद माफी मांगी गई, यहाँ तो 10 दिन पे कार्रवाई हो गई। ओके ओके ओके, अब मैं सिर्फ 5 मिनट गुर्रेश शेख के लेना चाहूंगा। गुर्रेश शेख इजाजत है? जी बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद निकलना भी है मुझे। जी बस 5 मिनट लूंगा सर, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपकी खासियत ये है गुर्रेश भाई की कि ये विदेश मामलों के जानकार भी हैं और विदेश में चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं गुर्रेश शेख, तो मैं इसीलिए आपसे जुड़े हुए कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी, विश्व स्तर पर देश को अपमानित किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? कुछ फैक्ट के साथ कौन जिम्मेदार? ये दोनों जो पदाधिकारी, एक राष्ट्रीय पदाधिकारी थी और एक दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी थे, दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों के खिलाफ एक्शन ली गई है और गवर्नमेंट क्या करती है ये भी देखेंगे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट की तरफ से बोलने के लिए अधिकारित नहीं। लेकिन भारत को विश्व गुरु बनाना है ना हमने, और अमृतकाल में तो हम पहुंच चुके हैं, तो अमृतकाल में जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इसके बाद जो बीजेपी ने एक्शन लिया है, इसका मतलब कपिल मिश्रा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, साक्षी महाराज, बिजभूषण शरण और तमाम ऐसे नेताओं की लिस्ट है, इन पर भी एक्शन लिया जाएगा जो रोज? देखिए, एक्शन लेने वाली कैपेसिटी मेरी नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय की होती है। लेकिन एक बात तो है कि पार्टी ने एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि ऐसी कोई भी बात जिससे भारत के की छवि को डेंट पहुंचे वो बर्दाश्त नहीं होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा आगे से विवादित बयान नहीं देंगे, ना साध्वी प्रज्ञा ठाकुर देगी, ना साक्षी महाराज देंगे, ना बृजभूषण शरण देंगे, ना कोई नहीं देगा। और एक तो पाकिस्तान भेजते हैं, वो नहीं भेजेंगे आप? भाई साहब, ना मैं कपिल शर्मा जी का प्रवक्ता हूँ, ना मैं साध्वी प्रज्ञा जी का प्रवक्ता हूँ, ना मैं किसी और का प्रवक्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूँ। तो फिर आपकी गलतियों की माफी भारत क्यों मांगे? फिर भारत ने माफी मांगी भी नहीं है। और मैं आपको ये देखिए, जब भारत की बात आती है ना, तो मैं बिल्कुल नॉन पार्टीजियन होके बात करता हूँ, राजनीतिक चश्मे के बाहर बात करता हूँ। और इसीलिए एक बात बता दीजिए, तो पढ़े लिखे प्रवक्ता है, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि आपने हिंदुओं को और मुसलमानों को गाली दी। लेकिन मुझे एक बात बताइए गुरेश भाई, एक छोटी सी बात बताइए, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार भी हैं, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है आप जितना विदेश के मामलों पर नजर रखते हैं। थोड़ा सा मैंने पढ़ने की कोशिश की, कतर आर्थिक संबंधों की अगर मैं बात करूं, 2021-22 में भारत ने कतर से 96.82 हजार करोड़, लगभग 76-77 हजार करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, आयात किया। कतर को भारत ने लगभग 14 हजार करोड़ रुपए का निर्यात किया। इस तरह से दोनों देशों के बीच कुल मिलाकर 112 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। मैं सिर्फ और सिर्फ 2021 और 22 की बात कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा LPG, LNG, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, ये सब कुछ निर्यात किया। और अब मैं आगे बात करूं, सऊदी अरब का मैंने देखा कि टॉप 5 देशों में शुमार है जहां से सबसे ज्यादा भारत। मैं आपको उस बात को एक ही ब्रैकेट में रख दूंगा, अमेरिका चाइना के बाद सबसे ज्यादा भारत का यदि कहीं व्यापार होता है तो वो मिडिल ईस्ट के गल्फ स्टेट्स के साथ जी, होता तो है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं 2021-22 की सऊदी अरब की बात करता हूँ, तो भारत ने 254 हजार करोड़ रुपए का आयात किया और 65 हजार करोड़ रुपए का निर्यात किया, यानी कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच में 319 हजार करोड़ का व्यापार हुआ। कुवैत में व्यापार के मामले में 27वें नंबर पर है और कुवैत से भारत ने 2021-22 में कुल 82 हजार करोड़ रुपए का आयात किया था और सिर्फ 9 हजार करोड़ रुपए का निर्यात किया था। दोनों देशों के बीच में कुल मिलाकर 91 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। UAE भारत से व्यापार के मामले में टॉप 100 की सूची में 3रे नंबर पर है। UAE और भारत के बीच में 2021-22 में कुल 5,43,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ और 3,34,000 करोड़ रुपए का आयात किया गया। दोनों के देशों में 2 लाख
9,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। अब मुझे ये बताइए, अगर ये निर्यात और आयात, समझ रहे हैं आप, क्या ये नफरत की राजनीति से प्रभावित होता है या नहीं होता? विश्वगुरु हम कैसे बनेंगे? देखिए, बात केवल आयात निर्यात की नहीं है, देश को सॉफ्ट पावर में भी इंक्रीज करना है, डेवलप करना है, और हार्ड पावर में भी करना है, और इकोनॉमिक माइट में भी करना है। इसीलिए जो भी व्यक्ति यदि देश की छवि को खराब करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी के लिए पार्टी सेकंड होती है, राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय, और सेल्फ जो व्यक्ति है। खाड़ी देशों को निर्यात की 3 लाख करोड़ से ज्यादा है निर्यात, 4 खाड़ी देशों की बात कर रहा हूं मैं। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले देश, फिर दल और फिर व्यक्ति है। तो जो देश की छवि को धूमिल करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, 320 लाख भारतीय मूल के लोग विदेश में रहते हैं, काम करते हैं वहां पर, और इनमें से 1.5 लाख जो हैं, 150 लाख खाड़ी देशों में ही रहते हैं। इस बयान के मायने समझ रहे हैं आप? रेमिटेंसेस भी होते हैं। देखिए, मैं यही कहता हूं हमेशा, इसलिए जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात हो, देश की छवि की बात हो, हम राजनीतिक चश्मा उतार के बात करें। और अभी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि रशिया टुडे के ऊपर मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करना है, मत रखना है इसी विषय के ऊपर, और आप देखना कि मैं नॉन पॉलिटिकल बात करूंगा, देश की बात। गांधी और बुद्ध की धरती पर ये नफरत की आग जो झोंकी जा रही है, इसका पक्ष भी रखिएगा सर, रशिया में रखिएगा पक्ष, लेकिन हिंदुस्तान के देशवासियों को समझाइए कि वो जो रोज हिंदू मुसलमान वाली डिबेट देखते हैं वो देखना बंद कर दें। भाजपा नहीं चाहती साहब, भाजपा नहीं चाहती, भाजपा चाहती है तरक्की की बात हो, भाजपा चाहती है शिक्षा की बात हो, आधारभूत संरचना की बात हो, भाजपा चाहती है युवाओं की बात हो। आज कल डिबेट नहीं चल रही थी, आज नुपुर शर्मा पर कहीं डिबेट भी नहीं चल रही थी गुरेश भाई, आज नुपुर शर्मा पर कहीं डिबेट नहीं चल रही थी, है ना, हैरानी की बात। कोई नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो है नाराज हो जाएंगे मुझसे। थैंक यू सो मच गुरेश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पवन दीक्षित जी और ए के मिश्रा जी, विश्व स्तर पर अगर कोई मुद्दा उठता है तो क्या हम इसे सिर्फ इस नजरिए से देख लें कि भैया ठीक है, गलती हो गई, बात खत्म करो, और पूरा देश उसके लिए माफी मांगे? क्यों ए के मिश्रा, क्यों? जो फैक्ट्स मैंने रखे वो आंकड़े आपके सामने थे, अरब देशों पर, सुन लीजिए ना, अरब देशों पर क्या निर्भर नहीं है आज की स्थिति में? हाँ, मुझे पता है, और अभी बहुत बहुत पहले से वो पता है। बात हम देखिए, यहाँ पिक्चर में है ओआईसी, जब बात ओआईसी की होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, तो वो कोई एक व्यापारी या स्वतंत्र कंट्री नहीं होता है, उसका टिल्ट इस्लाम की तरफ होता है, धर्म की तरफ होता है। तो ये मुद्दा द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, इन सब चीजों से नहीं है, धर्म की आड़ लेकर के। मैं बोलता हूं सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष अगर इसको इतने मैच्योर तरीके से सॉल्व करते तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। मैंने पहले ही बोला, मकबूल फिदा हुसैन को किसने नागरिकता दी, किसने शरण किया, ये क्वेश्चन उनसे भी पूछना चाहिए। पता नहीं क्यों लोग नहीं पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो क्या वो अपने कृत्यों के लिए माफी मांगेंगे? लेकिन इसके पीछे कारण एक है, अभी कश्मीर मुद्दे पे भारत ने ओआईसी को अच्छे तरीके से मना कर दिया था, ओआईसी बार बार इंटरफियर कर रहा था, वो भी एक, जबकि कश्मीर भारत का इंटरनल मुद्दा है, आतंकवाद वगैरह, ओआईसी ने, तुर्की ने, कई देशों ने कई बार कोशिश की, तो ये एक मौके के तलाश में थे कि तिल का तार इनको बनाना है। अच्छा, और इसका भी जवाब शायद सरकार ने अभी दे दिया है। आप मुझे एक चीज ये बताइए, अगर कोई मुद्दा उठता है चाहे कुछ भी हो तो उसको मैच्योरिटी के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि फिर तो ये करना चाहिए था कि सारे देश की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाए। मिश्रा कह रहे हैं तिल का ताड़ बना दिया गया, तिल का ताड़ बना दिया गया। अगर यहाँ से सलूशन नहीं निकलता, मुझे एक चीज ये बताइए, मुद्दा क्या है? मैं बोलता हूँ कि कितने सारे ऐसे भगोड़े और आतंकवादी वगैरह दुबई और ब्रिटेन वगैरह में छुपे पड़े हैं। एक मिनट, फिर मैं निगम जी फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूँ। पवन दीक्षित वो कह रहे हैं तिल का ताड़ बना दिया गया। तिलक भाई अभी मैं अभी बता रहा हूँ, मुझे एक बात याद आ गई, जो 8 साल से ना हिंदी में समझ में नहीं आई थी ना बीजेपी को, वो 2 लाइन की अरबी में समझ में आ गई कि मत लड़ो, बदतमीजी मत करो, अरे ओआईसी 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 फ्री
हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जा रहे हैं बीजेपी के साथ ही अमर मिश्रा जी। ओआईसी का नाम भी नहीं था जिस वक्त में नुपुर को और जिंदर जी को हटाया है। कतर का नाम था, कुवैत का नाम था। ओआईसी क्या है? ओआईसी ओआईसी का नाम बीच में आ गया उसके अलावा भाई अगर आप मुझे नहीं उसके पहले वहां की सरकार इन्वॉल्व नहीं थी। एक मौलाना इन्वॉल्व हुए है कोई आदमी कतर की बात कर रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेरे पत्रकार साथी मिश्रा जी को हिंदू मुस्लिम बनाना है, ओआईसी ले जाना है। मुझे डॉक्टर ने कह रखी है कि बीच में बोलना जरूर है। उसके बाद अब ओआईसी इन्वॉल्व हो गई। बीमारी है, बकास की बीमारी है, पता नहीं कौन सी बीमारी है इनको। इनको डॉक्टर आपको दिखवाते लग भाई, आपकी जानकारी मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। नहीं देना डॉक्टर आप ही बने हैं। बहुत ज्यादा आदमी की बोलने जा रहे हैं। जब आपने अपने मोबाइल कैमरा ऑन किया ना तो सर वो इन्हें सब इंटरनेशनल नॉलेज है, इन्हें फाइनेंशियल नॉलेज है। अरे इन्हें ना ढेले की नॉलेज, इन्हें सिर्फ बीजेपी की पत्तलकारिता करनी है, पत्तल चाटुकारिता करनी है। इन पर नहीं आता कुछ भी। तुम बड़े नॉलेजेबल बिना इंटरनेशनल जानते इंटरनेशनल के साथ इंग्लिश में आती है उनको। लेकिन इनको हाँ आपसे नॉलेज है और आपसे पढ़ा लिखा भी हूँ मैं, आपसे पढ़ा लिखा भी हूँ, आपके अंदर नॉलेज भी है और आपके साथ दुनिया भी कमाल है। आपके साथ दुनिया भी हूँ और आपकी तरह से मैं पत्तल चाटुकार नहीं हूँ, आपकी तरह से तलवे नहीं चाटता मैं। आप जैसे लोगों ने इस देश की पत्रकारिता, इस देश के समाज का सर्व सत्यानाश किया है। शर्म आती है मुझे आप जैसे लोगों से बात करने में भी। आप जैसे लोग आपके रिश्तेदार भी देखते होंगे ना, कहते हैं मिश्रा कौन से डॉक्टर के पास गया भैया। अरे भैया रहे आप भाई है हमारे। आप जैसे लोगों ने इस देश का सर्व सत्यानाश किया है और इंडिया के लोगों ने ही गंदगी फैलाई है हिंदू मुस्लिम तहजीब में। प्लीज देश की गंदगी प्लीज। बड़ी शंकर अय्यर चले गए थे ना क्यों? एक है मिश्रा प्लीज प्लीज व्यक्तिगत नहीं। प्लीज शंकर अय्यर पाकिस्तान से जाके सरकार को भाग। एक मिनट मिश्रा जी प्लीज, इस तरह से डिबेट्स नहीं होती है। बड़ी शंकर अय्यर पाकिस्तान जाके भारत सरकार को गिरा रहे थे ना। एक है मिश्रा जी, मुद्दा कहीं और कहीं आप लेकर पहुंच गए बात। उलूल जुलूल बकते रहेंगे अपने नेताओं का। क्यों गए थे बड़ी शंकर अय्यर पाकिस्तान भीख मांगने के लिए कि इनकी सरकार हटाओ हमारी सरकार लाओ? विषय नूपुर शर्मा भारत सरकार को बिरयानी खाने तो बैठे। अरे वो बिरयानी खाने तो बैठे मणिशंकर अय्यर। अरे नवाज शरीफ की पोती की शादी में बिरयानी खाने तो बैठे बिना बीजे पासपोर्ट के। अरे पाकिस्तान देखा, भूटान नेपाल तुम गए नहीं, भूटान नेपाल आप गए नहीं, पाकिस्तान की बात करते हो। इनके पहले ट्रेनिंग लीजिए, मुझे पास होने दे, ट्रेनिंग लीजिए फिर आइएगा। बहुत दिन से मुझे तो इतना आपको लगता है इंटरनेशनल की स्पेलिंग में नहीं। भाई मुझे बता दो, मणिशंकर को सरकार गिरानी थी तो देश में रहकर। प्लीज मैं ऐसी चर्चाएं नहीं करता। देश में रहकर मणिशंकर चुनाव लड़के सरकार। एक के मिश्रा मसला मणिशंकर अय्यर नहीं है। मैं इस तरह की डिबेट नहीं, उदाहरण देना पड़ता है ताकि आसानी से समझ में आ जाए, दिमाग में घुसता नहीं है लोगों। अच्छा तो ये जो विषय है आप मुझे क्या जिन्ना के मजार पे जो गए थे मणिशंकर अय्यर। एक सेकंड अरे भैया आप किसी मंदिर मजार में जाओ दिक्कत नहीं है, जाके देश की सरकार को गिराओ। ये वो भी विदेश में जाके ये बात करो, मदद मांगने गए थे, ससुराल है मणिशंकर अय्यर जी की। मिश्रा जी हो गया, आप मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं वो उन नफरत जीवी पत्रकारों की बिरादरी में खड़ा हूँ क्या? चावला जी कोई नफरत की बात नहीं है। हाँ, बात तो सिंपल, मैं बोल रहा हूँ मुद्दा हमारे देश का है। इसको अच्छे तक मैं उन कंट्रीज को भी बोलता हूँ, वहां पे तो सबसे पहले मौलाना साहब ने ट्वीट किया, कोई एक मौलाना थे। अरे अगर मैच्योरिटी दिखानी होती या तो कंट्री टू कंट्री लेवल पे प्रोटोकॉल होता है, करिए। बहुत सारे मुद्दे चलते रहते हैं, लोग करते रहते हैं, बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाता है। हो गया ना सर, एक मिनट। तिल का ताड़ कौन बना रहा है इस मुद्दे? ये मुझे पता है तिल का ताड़ कौन बना रहा है। रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए, सबको पूरा देश जान रहा है आज। आप जैसे लोग, निगम जी फाइनल कमेंट आपका। ये नहीं, आप जैसी पार्टियां जो पाकिस्तान चले जाते हैं। चावला जी मैं आपके आप जैसे आपकी बहुत सराहना करता हूँ कि कम से कम आप ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और कहते हैं। जिस दिन नूपुर शर्मा जहां पर बैठी हुई ये बात कह रही थी, वहां पर बैठे एंकर को भी कम से कम बोलना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। वो सुनते रहे, वो पूरा पूरा उनको मौका दिया कहने को। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तो बोल ही रहे हैं, जो घोषित पत्र प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के वो तो बोल ही रहे, और जो अघोषित पत्रकार
जो मतलब अघोषित प्रवक्ता है पत्रकार के रूप में, वो भी बोलने वाले हैं जो पैनलिस्ट बैठे थे उसी तरीके से बात कर रहे हैं। वो लीजिएगा, वो क्या बोल रहे थे, उनके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं था। अगर ये दिक्कत नहीं आती, अगर अगर सारे के सारे लोग निष्पक्ष होकर के काम करते तो ये नौबत नहीं आती। आपके द्वारा मिश्रा जी, आपका नाम आपके द्वारा वित्त पोषित है उनको भी देखिए। मिश्रा जी, आपका नाम थोड़ी ना लिया उन्होंने, व्यक्तिगत क्यों हो जाते हैं आप? नहीं नहीं, वो हम ही को बोल रहे हैं। अच्छा, आप अरे ये इनके द्वारा वित्त पोषित जो लोग बैठते हैं, मिश्रा जी हमारा ये काम नहीं है। अगर हम इस तरीके से करते होते तो लोग हमें प्यार नहीं करते। हम कट्टर देशभक्त है और हमको गलती से आ गया, धोखे से आ गया, हमारी हमारी जानकारी में आया है, हमने एक्शन लिया है। किसी ने एक्शन नहीं लिया, विपक्ष ने नहीं बताया, किसी एजेंसी ने नहीं बताया था। एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो नीचे। मेरे मित्र हो ना मिश्रा जी, इस बात को लेकर कई बार चिंता करते हो, इतना मत बोला करो। मैं फिर भी उसी बात पर अड़िग हूं, सच बोलता था, सच बोलूंगा। 16 आने सच यही है कि जो नफरत जीवी पत्रकार हैं, इसके लिए असली जिम्मेदार वो हैं। जो नफरत जीवी पत्रकार हैं, जो रोज हिंदू मुसलमान करवाते हैं, लोग हिंदू मुसलमान पर डिबेट करवाते हैं, कोई और नहीं है। कई नुपुर आमने सामने आएंगे आपके, सबसे बड़ी आपके बच्चे भी उसी कतार में खड़े हो गए और मेरे बच्चे भी उसी कतार में खड़े होंगे। इस डिबेट से राष्ट्रवाद पैदा नहीं होता है, इन डिबेट से हिंदू मुसलमान की डिबेट से राष्ट्रवाद नहीं आता है। जो राष्ट्रवाद के नाम पर ऐसे ऐसे करते हैं कि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, इन डिबेट से राष्ट्रवाद नहीं आता। इन डिबेट से व्यक्ति की होती है कि उसको भांकना नहीं चाहिए। अरे कैसे लोग हैं, किसी ने पैसा दिया, कोई पत्थर पकड़ लेगा, कोई जबान से कुछ भी बोल देगा, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के सोच के देखिएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ, इन डिबेट से मेरे से कभी कोई बोलने में गलती नहीं हुई है चावला जी। मैं मर्यादा, मुझे कोई नहीं बहका सकता है। मैंने बहुत डिबेट की है, कोई पत्रकार मुझे नहीं बहका पाया। ठीक, पता नहीं यहाँ कैसे लोग हैं जो हाथों में पत्थर उखाड़ लेते हैं जिनकी जबान। मिश्रा जी, कई तो जुबान से पत्थर मारते हैं, मेरे ही साथी जुबान से पत्थर मारते हैं, रोज मारते हैं, जेब में माचिस लेकर चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दिशित जी आपका भी, एके मिश्रा जी आपका भी, निगम जी आपका भी, और गुर्रेज भाई आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये देश में मुद्दा जो होना चाहिए, बिजली पानी सड़क शिक्षा, क्या यही असली राष्ट्रवाद है जहां पर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ा दो, टकरा दो और भिड़ा दो, और फिर राष्ट्रवाद के नाम पर सिर्फ TRP का खेल खेलो? जरा सोच कर देखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।